सब्सक्राइब करें मेरे चैनल स्पाइडा को और बेल आइकॉन दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जब किसी को किसी से सच्चा प्यार हो जाए तो फिर उम्र और फासले मायने नहीं रखते। ये सच है कि इंसान जब प्यार में हो तो किसी भी हद तक जा सकता है। प्यार का एक ऐसा ही मामला हरियाणा के कैथल में सामने आया है। जी हाँ, यहाँ के रहने वाले 27 वर्षीय प्रवीण पर अमेरिका की रहने वाली 65 वर्षीय कैरन लिलियन एबना नामक एक महिला का दिल आ गया और वो अपने प्यार को पाने के लिए अमेरिकी से सीधा कैथल चली आई। यहाँ उसने सिख रीति रिवाज से प्रवीण संग शादी कर ली। शादी करने के बाद दोनों किराए के एक मकान में साथ रह रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों की माने तो अब 18 जुलाई को कैरन वापस अमेरिका चली जाएंगी, मगर इससे पहले वो अपने पति के साथ एक बार पूरे भारत के प्रसिद्ध स्थानों पर घूमना चाहती हैं। इसके लिए भी दोनों ने प्लानिंग कर ली है। प्रवीण और कैरन की मोहब्बत की शुरुआत फेसबुक के जरिए नवंबर 2017 में हुई थी। पहले दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने एक दूजे की उम्र को लेकर कोई ख्याल नहीं किया। ऐसा भी नहीं था कि दोनों ने एक दूजे को पहले देखा न हो। रोजाना दोनों के बीच वीडियो कॉल से बातें होने लगी। दोनों वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे से रूबरू हुए। इसके बाद दोनों ने एक होने का फैसला कर लिया। फिर एबना अपने परिवार से इस शादी के लिए सहमति लेकर भारत आ गई। कैरन विधवा है। एबना के पति का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। वह जीवन भर माँ नहीं बन सकती। एबना ने प्रवीण के साथ 21 जून को शादी कर ली। उसने इस दिन को इसलिए चुना क्योंकि 21 जून को एबना के भाई का जन्मदिन था। प्रवीण ने एबना को पत्नी बनाने से पहले अपने जीवन की सारी सच्चाई बता दी ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी ना आए। जब शादी के लिए एबना ने भारत आने की बात कही तो प्रवीण ने बताया कि उसके पास एयरपोर्ट तक गाड़ी लाने के पैसे नहीं हैं। इस पर एबना ने बस से गांव पहुंचने की इच्छा जताई। यही प्रवीण के प्रति एबना के प्यार को दर्शाने के लिए काफी था। प्रवीण भी एबना को पाकर बेहद खुश है। प्रवीण ने एमए तक पढ़ाई की है, लेकिन नौकरी न मिलने के कारण वह राजमिस्त्री का काम करने लगा। एबना एक महीने बाद वापस अमेरिका जा रही है। प्रवीण भी एबना के साथ जाना चाहता है, लेकिन उसके पास पासपोर्ट नहीं है। फिलहाल प्रवीण ने पासपोर्ट के लिए आवेदन कर दिया है। वह पहले टूरिस्ट वीजा पर अमेरिका जाएगा। अगर स्थायी वीजा नहीं मिला तो एबना उसके साथ भारत में ही रहेगी।